हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानकारी लेकर आए हैं कि गुड़गांव बस स्टैंड से आपको कौन-कौन सी जगह के लिए बस मिलेंगी, उनका टाइमिंग क्या है, किराया कितना लगता है, हेल्पलाइन नंबर क्या है और वेबसाइट कौन सी है। वैसे तो मेट्रो के इस युग में बस स्टैंड को लगभग नेगलेक्ट किया जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ आपको बसें ही मिलती हैं, मेट्रो का कोई विकल्प नहीं है। साथ ही इस बस स्टैंड की थोड़ी हालत पतली इसलिए भी है कि अभी गुड़गांव को मिलने वाले हैं तीन नए बस स्टैंड। पहला राजीव चौक पर जो बनेगा इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए, दूसरा सेक्टर 29 दिल्ली NCR के लिए और तीसरा बनने जा रहा है खिड़की दौला के आसपास इंटर स्टेट। पहले दो बस स्टैंड तो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन लास्ट वाला जो खिड़की दौला वाला अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी हम आ गए हैं बस स्टैंड के अंदर। इस बस स्टैंड से दिन में लगभग 200 बसें चलती हैं, जिनमें ऑर्डिनरी बसों के अलावा ये वोल्वो बसें और DTC की लो फ्लोर AC बसें भी शामिल हैं। जब आप बस स्टैंड पर एंटर करेंगे तो पहला काउंटर आता है आगरा मथुरा पलवल के लिए। जी हां, आपने सही सुना, आगरा के लिए। आगरा के लिए बस से जाना बहुत ही इकोनॉमिक है। ऑर्डिनरी बस में आपको देने पड़ते हैं केवल 220 रुपीज़ और टाइम लगता है 5.5 आवर। डायरेक्ट आगरा के लिए 7 बसें हैं। पहली बस चलती है सुबह 5:45 बजे और लास्ट शाम को 3:30 बजे। ना केवल हरियाणा रोडवेज की बल्कि यूपी रोडवेज की बसें भी यहां से चलती हैं। यदि आपकी आगरा की डायरेक्ट बस मिस हो जाती है तो आप यहाँ से पलवल जा सकते हैं, वहाँ से आगरा की काफ़ी फ्रिक्वेंट सर्विस है। आप स्क्रीन को रोककर ये आगरा और पलवल की बसों के टाइम यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से पटौदी, कोसली, झज्जर, रोहतक, नजफगढ़, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, मेहरौली के लिए भी फ्रिक्वेंट बसें मिल जाएंगी। पटौदी के लिए सुबह 6:30 बजे से रात को 9 बजे तक बसें चलती हैं और कोसली के लिए सुबह 7:15 बजे से शाम को 4:30 बजे तक लगभग 7 बसें चलती हैं। आप वीडियो को रोककर ये टाइमिंग देख सकते हैं। रेवाड़ी के लिए डायरेक्ट बसें यहाँ से नहीं हैं। रेवाड़ी के लिए पैसेंजर ट्रेन वाला हमारा वीडियो जरूर देखें, उसका मैंने ऊपर लिंक दिया है। और अब हम आ गए हैं बस स्टैंड के दूसरे एंड की तरफ, यानी एग्जिट की तरफ। यहाँ पर एक इंडसइंड बैंक का ATM है और यहां से चलती हैं दिल्ली के लिए बसें। गुड़गांव से DTC की बसें 4 रूट्स पर चलती हैं। पहली तो उत्तम नगर वाया द्वारका, सेकंड बदरपुर वाया साकेत, थर्ड आनंद विहार ISBT एंड फोर्थ करोलबाग वाया धोलाकुआ। करोलबाग वाली बसें हनुमान जी की स्टैच्यू तक जाती हैं, बग्गा लिंक रोड तक। आनंद विहार ISBT के अलावा आपको गुड़गांव से सराय कालेखां ISBT के लिए भी बसें मिल जाएंगी। यहाँ से आपको शिमला के लिए भी बस मिल जाएगी जो चलती है शाम को 7:45 बजे। ना केवल शिमला के लिए, यहाँ से आपको हरिद्वार, मुरादाबाद, बैजनाथ, जम्मू कटरा के लिए भी बस मिल जाएंगी। ये जो सिटीज के नाम लिखे हुए हैं इनके लिए सिर्फ एक बस चलती है दिन में, टाइमिंग आपके सामने है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ मेजर सिटीज का किराया कितना लगता है ऑर्डिनरी बस में। शिमला के लिए आपको देने पड़ते हैं 475, बाकी आप स्क्रीन को रोक कर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट सर्विस यहाँ से है चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ के लिए आपको ऑर्डिनरी बस के साथ साथ वोल्वो बसें भी मिल जाएंगी। पहली गाड़ी 4 बजे, 4:20, 4:50, 5:10, 5:40, 5:45, उसके बाद 8 बजे चंडीगढ़ के लिए है। और चंडीगढ़ का किराया कितना है ऑर्डिनरी बस का? 285। 285। ओके, थैंक यू। चंडीगढ़ के लिए वोल्वो 24 घंटे है, सुबह 12:05, 1 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5:30, 6:07, 7:30, 7:30, 10 बजे, 10:30, 11:15, 12, 1, 2:30, 3:30, 4, 5, रात को 10 बजे, 11 बजे। और किराया कितना लगता है? 680। 680।
ये जानकारी दे रहे थे बूथ इंचार्ज सोनू यादव और उनके साथी। आप चाहें तो लॉन्ग रूट की बसें ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है hrtrans.gov.in और हेल्पलाइन नंबर है 01242320222। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि दूसरे उसका फायदा उठा सके। सिटी बस के रूट्स हैं ये जो गुड़गांव बस स्टैंड तक जाती है। सिटी बस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर चेक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आप दिल्ली और एनसीआर की इसी तरह की अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।